still drive me crazy. Drop your worries, pick up on this fine stream of love we're riding on. Don't believe those silly rumors. Life is a dream. Hello, प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया है मेरा ब्लॉग. तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया कि मैंने आपको अपने पेड़ पौधे नहीं दिखाए. तो देख लीजिए, थोड़े से मेरे पीछे हैं. ये वाला देखो कितना खुश है, ये वाला जो प्लांट है कितना हैप्पी है. एक्चुअली मुझे इसको वाइन ही बनाना है. मैं चाहती हूँ लटकता रहे और कितनी ऊपर रख दूँ और नीचे तक लटक के आ जाए. पर आप इसमें कुछ इंसर्ट करके इसे खड़ा भी कर सकते हैं, लाइक रैप करके, वो भी बहुत अच्छा लगता है. पर मैं इसको वाइन ही बनाना चाहती हूँ. लास्ट टाइम जब मैं सुपर स्टोर गई थी, तो मेरे जाने का मकसद ये फिलाडेंड्रन ही था कि मुझे ऐसा और मिल जाए तो मैं ऐसे दो चार ले लूँ, क्योंकि इस बेचारे को मैं बहुत घुमाती हूँ. कभी ये मेरे वॉशरूम में जाता है क्योंकि मुझे वहाँ पे भी अच्छा लगता है, कभी ये मेरे मेकअप रूम में जाता है, कभी ये किसी रूम में जाता है, हर तरफ ये ट्रैवल करता रहता है. पर ये बहुत ही हैप्पी एंड मज़ेदार प्लांट है. वैसे इस प्लांट को मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ तो दो चार मेरे पास रेडी हो जाएंगे, पर इस साइज़ का होने में उन्हें समय लगेगा, वो पिद्दे विद्दे है. सो यार, ये है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में. लास्ट दो तीन दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया है क्योंकि मुझे स्टिफ नेक हो गया था. जॉइंट पेन मुझे रहती है, उसके साथ स्टिफ नेक हो गया जब मेरे शोल्डर्स के साथ, तो मैं ऐसे ऐसे हो गई थी, लाइक रोबोट की तरह हो गई थी. स्टील की बॉडी हो गई मेरी और बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हुआ. एक दिन पहले दिन थोड़ा कम था, मुझे लगा कि नहीं होगा, उसके अगले दिन बहुत इंटेंस हो गया और आज है तीसरा दिन. आज काफ़ी ज़्यादा बेटर है, पर मेरा जो मसल्स है वो काफ़ी टेंडर फील हो रहा है. मुझे ऐसे ऐसे करने में डर लग रहा है कि फिर ना कोई पंगा हो जाए. सो ऐसा क्यों हुआ? एक तो हिम्मत हमारे साथ सोता है, जिसकी वजह से हमें मूव होने के लिए जगह नहीं मिलती और वो ऐसे फैल के सोता है मिडल में. सो हमने कितनी बार डिसाइड किया है उसे अपने रूम में सुलाने के लिए, पर वो रात को उठ के एक बार उसने मेन डोर खोल दिया था और बाहर जाके खड़ा हो गया था, एंड मेन डोर उसने ऐसे ही रहने दिया था, जिसकी वजह से हम डर गए. उसके बाद भी ऐसे हुआ कि जब भी मैं उसे उसके रूम में सुलाती हूँ, 12-1 बजे उठ के वो तुर जाता है, उसे लगता है कि नीचे है मम्मी डैडी. तो उसे मैंने कितनी बार मिड ऑफ स्टेयर्स पकड़ा है कि मत जा, क्योंकि जब तक वो ऐसे करता है तब तक मैं भी नहीं सोती हूँ. मुझे लगता है कि इधर जाएगा उधर जाएगा, सो वेट कर लेती हूँ कि कब उठेगा. फिर जब वो हमारे रूम में आ जाता है तभी मुझे दोबारा से नींद आती है. तो हस्बैंड ने कहा है कि हम कुछ सिक्योर करते हैं, लॉक कर देते हैं मेन डोर को, ताकि वो घूमता रहे, हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है. सो आज से हम फिर से ट्राई करेंगे उसको उसके रूम में सुलाने की. सो ये एक वजह हो सकती है मेरे स्टिफ नेक की, क्योंकि मैं मूव ही नहीं हो पाती हूँ, ऐसे सोता है वो. दूसरी वजह है कि मैं बहुत समय से इतना पतला सा पिल्लो लेती हूँ, मुझे डर लगता है कि मेरा नेक बड़े पिल्लो की वजह से दुख जाएगा. सो मैं छोटा पिल्लो लेके सोती हूँ, पर मुझे अब पता चला है कि छोटा पिल्लो भी आपके नेक के लिए सही नहीं है, क्योंकि फिर आपके नेक की पोजीशन ऐसे हो जाती है, ऐसी पोजीशन होगी, आपकी बॉडी से नीचे होगा तब भी पेन होगी, बॉडी से हाई होगा तब भी पेन होगी. सो इक्वल होना चाहिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है सीधी रहे. सो उसके लिए हम लेने वाले हैं मेमोरी फॉर्म के पिलोस, जो कि मैंने कॉस्को में देखे थे, वहाँ पे हैं और कॉस्को के ब्रांड्स ट्रस्टवर्दी होते हैं. सो हम जा रहे हैं कॉस्को पिलो लेने के लिए, और भी कई चीज़ें मुझे चाहिए वो भी करेंगे, पर हमारा मेन मोटिव है पिल्लो लेना. उन पिल्लो को ट्राई करके मैं आपको बताऊंगी कि सच में स्टिफ नेक को फर्क पड़ता है या नहीं. सो फिर आप भी वो पिल्लो ले सकते हैं. अगली चीज़ है कि वैल्यू विलेज से मुझे ईमेल आई है कि उनकी बुक्स पे 50% ऑफ चल रहा है. सो जो बाहर 30 की किताब आती है, अगर वो मुझे वहाँ से मिल जाए तो वो आती है $5 की, पर अब 5 पे भी ऑफ चल रहा है 50% मेंबर्स के लिए, तो मुझे $2.50 की मिलेगी. सो मैं किताबों के लिए भी जाना चाहती हूँ, पर इस बार हम हिम्मत एंड हस्बैंड को अंदर नहीं लेके जाएंगे. सो मैं बुक्स देखूंगी मेरे लिए, और इस समय हस्बैंड एंड हिम्मत दोनों बिजी हैं. हिम्मत अपने स्कूल में बिजी है, उसका स्कूल फिनिश हो जाएगा अराउंड 30 मिनट में. हस्बैंड नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और मैं आज के दिन के लिए डन हूँ. मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड कर दी है, एंड और भी मैंने जो मेरे छोटे छोटे काम थे कर लिए हैं. माइंड डम करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले तीन दिन मैंने काम नहीं किया तो मेरा माइंड भर गया है. ब्रेन मेरा इतना ज़्यादा भर जाता है थॉट के साथ कि मुझे डंप करना पड़ता है. जब मैं डंप कर देती हूँ फिर मुझे चिंता नहीं रहती है कि कोई चीज़ मैं भूल नहीं जाऊँ, क्योंकि फिर जहाँ पे मैंने डंप किया है, लाइक लिखा है, उसको मैं दोबारा से पढ़ सकती हूँ. सो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं
अगर आप वर्गो हैं या कई और लोग भी हैं जो थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग थॉट से भर चुका है तो माइंड डम कर दें। माइंड डम करके आपको अच्छा फील होगा, लिख लें। बेशक वो सोचने वाली चीज़ रबिश ही क्यों ना हो, पर एक बार लिख लें फिर आपके माइंड से क्लियर हो जाती है। अब मेरा माइंड फ्रेश है नए स्टार्ट के लिए, क्योंकि मुझे चिंता नहीं है कि किसी चीज़ को मैंने याद करना है, यो आइडिया था उसे याद रखना है, ये फालतू फालतू चीज़ें सारी मैंने डम कर दी हैं, लिख दी हैं। Now I'm nice and fresh. So अब मैं क्विकली मेरे लिए चाय बनाऊंगी, चाय पीते ही मुझे मज़ा आ जाएगा। So जल्दी से हम लोग चाय पी लेते हैं। अगर आपको ये प्यारू सा पेड़ दिख रहा है तो इसके बेबीज भी दिख रहे होंगे, 3-4 बेबीज आ रहे हैं, और ये वाला भी, इसमें भी फ्लावर्स आने वाले हैं क्योंकि अब स्प्रिंग आ रहा है, सारे नई खुशी लेके आएंगे पौधे पत्ते, बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम आएगा। और इसमें भी कितने सारे नन्हे नन्हे बेबीज आ रहे हैं, ये सो हैप्पी। सो यही है आज के। तो चाय पीने वाली हूँ, पहले मैं सोच रही थी कॉफ़ी पी लूँ, पर चाय मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एंड लाइट भी होती है, और हम इसमें चीनी भी नहीं डालेंगे तो मज़ेदार बन जाएगी हमारी। तो मैंने आज मेरे हस्बैंड की शर्ट पहन ली है, बाहर मौसम अच्छा है, आई थिंक 18 और 19 डिग्रीज हैं, पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आप थोड़े से पतले होंगे तो उड़ भी जाएंगे, यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा पुशी होती है कि आपको पुश कर देती है। सो देसी घी देखिए, देसी घी बन के तैयार है, देसी घी देखिए दोस्तों बनके तैयार है, ये पूरा भर गया है एंड एक बड़ी कटोरी और भी भर गई है, बनके तैयार है हमारा देसी घी। अब आप राज राज के खाओ, मोटे हो जाओ, गुलगुले बन जाओ, कुछ भी करो। कॉफ़ी मशीन को किया जाएगा बंद, चाय को उठाया जाएगा एंड चाय में ऐड करेंगे हम पिद्दी सी क्रीम, पिद्दी मतलब 2-4 ड्रॉप्स। कैसे हो जी? तो हिम्मत को हमने सोचा था कि आज जल्दी स्कूल फिनिश कर लेगा और हम निकल जाएंगे रश आवर से पहले, पर हिम्मत की क्लास में आज एक गेस्ट स्पीकर आई थी जो इनको बताने वाली थी, वो स्पेशलिस्ट थी इंसेक्ट की, तो उसने इनको काफी ज्यादा नॉलेज दी बटरफ्लाई के बारे में। हिम्मत का डैडी उसको हिम्मत को ऑलरेडी बता चुका है ये सारी चीजें। हिम्मत नो जैसे हिम्मत को मैंने सोचा कि यार वो गेस्ट स्पीकर आई है तो अच्छा है कि वो सुन ले, तो हमने वेट की। वैसे हिम्मत का स्कूल 2:15 पे फिनिश हो जाता है, सो एक घंटा आज ज्यादा लग गया, 3:15 हो गए हम अब निकले। ऑलराइट, सो ये है वो ऑल नाइट कंफर्ट मेमोरी फॉर्म वाले पिलोज, 2 लिए हैं हमने। मैं देखने वाली हूँ अदर आइल में अगर दूसरी ऑप्शन होगी तो आई थिंक वहाँ पे भी पड़ेगा। तो उस स्टोर के बाद हम लोग पहुँच गए हैं आइकिया। You mean IKEA? ओके, तो हम लोग पहुँच गए आइकिया एंड आइकिया में मैं देखने वाली हूँ थोड़ा सा किचन का सामान, कड़छियाँ चाहिए मुझे लकड़ी वाली, वो देखेंगे एंड टाइम पास करेंगे थोड़ा सा। एंड मुझे एक्चुअली आउटडोर जो हमारा फर्नीचर है उस पर रखने के लिए गद्दियाँ चाहिए वाटर प्रूफ एंड थोड़ा सा डेकोरेशन, सो बेसिकली उसी काम के लिए हम आए हैं, उस काम को पूरा किया जाएगा। हमने यहाँ पे करेंगे थोड़ा टाइम पास, लाइक टाइम पास करके बहुत मजा आता है।
guys. Okay, husband ने एक कर्ची पसंद की है जिसको हम ले लेंगे। अरे मैं मना कितना ही करती हूँ। Okay guys, हमें यहाँ पे जो ढूंढने के लिए आए हैं वो मिला नहीं है, पर हम इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। Who wanna eat Chick-fil-A today? Chick-fil-A kithe? Hello dosto, so I'm reporting right from Mama. IKEA. Mama, then we are to store. Guys, जब भी मैंने vlog बनाने के लिए camera on करती हूँ, हिम्मत को सारी दुनिया की बातें मुझे तभी बोलनी होती है। ओवे मैं ना बिल्कुल गल नहीं करता तुरिया रंदा। जब मैंने वीडियो के लिए कैमरा ऑन किया, दुनिया की इंपॉर्टेंट चीज़ें हिम्मत को याद आ जाती। सो आउटडोर फर्नीचर के लिए मुझे गद्दियाँ चाहिए थी, कवर चाहिए था। गद्दियाँ मिल गई हैं पर कवर नहीं मिले, सो या कवर मैं कहीं और से लूँगी या फिर उनको चाक के अंदर बाहर रखती रहूँगी हमेशा। और देखो बहनजी, थान नवा है, दिल्ली थाना है। ओ छोटू, ओ नवा जो लाड आया हो तो देखो, खादी सिल्क के कपड़े आ गए। नहीं नहीं चाहिए, ओ नवा माल छोट। भाई तू तो गुस्से का जाने रास्ते दो की है। हां जी, एक नंबर का माल है, एक नंबर का। एक नंबर दे माल दी ते है, पर ला जो ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾ ਜੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾ ਜੋ 19 ਕੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੀ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਲੂਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਓ ਫੇਰ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਫੇਰ ਆ Finally, there is the most amazing person on the entire world. Not you, just me. हम लोग पहुंच गए हैं चेकआउट पे। ओके, सो मुझे लगता है कि हम लोग आईकिया से अब डन हैं। और जैसे मुझे गद्दियाँ चाहिए थी वैसे नहीं मिली हैं, पर जो भी मिली हैं उसी से हम काम चलाएंगे। मैं चाहती थी कि मुझे कोई आउटडोर जैसा कारपेट भी मिले, वो भी नहीं मुझे मिला है। बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी, बट दे स्टिल स्पेंडिंग सम टाइम वॉचिंग स्टफ। मीमी इज सिंगिंग हिज ओन सॉन्ग्स। सो घर पहुंच चुके हैं, सारा सामान धीरे धीरे किया जा रहा है मैनेज। सो हम लेके आए हैं पैरामाउंट से मील खाने के लिए, एंड इसको गर्म करूँगी मैं। हस्बैंड एक्चुअली अभी भी सामान रख रहे हैं। सो ये है चिकन एंड राइस, डब्बा वड्डा है। Something that made you mad Wishing that I could call ya Sorry my service bad My bad Ek te khabran ne na pareshan kita na To bina khabran to guzara nahi hai Sara din khabran Amiya khabran da ki karna tu Ye abhi khabran sunao और लाइट दोस्तों, हम लोग ने सर्व कर लिया है, गरम कर लिया सारा फूड। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हम फटाफट खाएंगे और कोशिश करेंगे कि हस्बैंड खबरा ना सुने, कुछ अच्छा एंटरटेनिंग देखेंगे। और हस्बैंड एंड हिम्मत भज के जाके, जब तक मैं फूड गरम कर रही थी, कपड़े पहन के आ गए कम्फर्टेबल, पर मेरे पास नहीं हिम्मत की कम्फर्टेबल कपड़े पहन के आऊँ, क्योंकि मैं पहले खाना चाहती हूँ। तो वैसे भी मेरे कपड़े इतने बुरे नहीं हैं कम्फर्टेबल, सो फलाफल खाऊँगी मैं। और आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इन्होंने अपने फूड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम कर, पहले इनफ होता था एक बंदे के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि अब एक से एक बंदे का भी पेट भर पाएगा, क्योंकि कितना कम राइस है, कितने कम चिकन। आई डोंट नो क्यों किया, आई डोंट नो सारे पैरामाउंट ने किया होगा या इन्होंने कितना कर लिया, क्योंकि ना कि मैनेजमेंट चेंज हुई है ना। सो खाने पीने के बाद मिलती हूँ आपको, क्योंकि मेरे खाने से गला नहीं की जाती है। चंगा दोस्तों, बाय। That's all I want Cause all I want is you Yeah
हस्बैंड को इतना इंतजार नहीं होया कि ऊपर जाके लेने इत्थे पै गए लागे जान दे उसको। ओके तो हम दोनों ने सराने ले लिए हैं, हुन शायद दोनों दी साडी गर्दन सीधी हो जाए। वैसे तो मैं लेना नहीं चाहती थी पर फिर मैंने लगा कि यार शायद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि पतला लेने से ही मेरे सही बहुत सारे दोस्तों को लगेगा कि सराना लगे कि वड्डी गल कर ली पर मेरी जिंदगी च सराने ही आज बहुत वड्डी एक्साइटमेंट है। दोस्तों ये मेरा 56वां सराना है, मेरे मुझे आज तक कोई सराना मिला नहीं जो मेरे सिर की जो मेरी गर्दन की दर्द को दूर कर दे। दिस इज द 56th पिलो अब तक 56 छुरी बन गई है, अब तक 56 पिलो वर्क चुका हूँ मैं, क्योंकि इसे आदत है ये अपने बगल में सराना रख के सोती है, एक तो अपने सिर के नीचे एक अपने बगल में, बगल के साइड से कह रहा हूँ, बगल में इसकी इस बगल में ही वो पड़ा होता है और उसके बगल में मैं पड़ा होता हूँ और मेरे बगल में एक और सराना पड़ा होता है, मैं एक ही सराना लेता हूँ। 56 सराने कितने के तोड़े हैं वो सारे इधर उधर पड़े होते हैं, मैं एक ही सराना लेता हूँ मुंडी के नीचे अपने सर के नीचे नहीं लेते सराना, मुझे आती मुंडी के नीचे सराना। मैं वेरी प्राउडली कहता हूँ कि मुझे 3 लैंग्वेज आती है, पंजाबी अच्छी तरह आती है, हिंदी मुझे आती है 70% तो आती है, आती है किधर से आती है परसेंट, इंग्लिश भी 60% आ जाती है, गरारी ना फंसे तो आ जाती है। पासे हो गए बातें करो ना मेरे चढ़ी पी और तुम। अगर मैं आपको बताना भूल गई तो मैं बता देती हूँ कि ये जो मेरे पति हैं ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, अगर आपको घर बेचना है या खरीदना है तो प्लीज इनको कॉन्टेक्ट करें, इनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फिर आप इनसे फोन पे बातचीत कर सकते हैं जो भी। यस आपकी हेल्प करेंगे ये आपको प्यारा सा घर दिलाने के लिए, और आपको अगर घर बेचना है तब। ऑलराइट दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, सो यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, बस इतना ही करना है दोस्तों, कोई थॉट क्रिएट करो उस पर वर्क करो, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, ज़्यादा चिंता नहीं करो, हाओ पे मत स्ट्रेस डालो कि कैसे होगा, वो आपकी टेंशन नहीं है, आपको बस थॉट क्रिएट करने हैं और उस पर काम करना है, कैसे होगा नहीं होगा उसकी चिंता ना करो, राइट डैडी? ओके मैं मिलूंगी आपको जल्दी ही, बाय बाय guys, I'm gonna sleep in my room and I'm gonna lay by my room.